इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं और ये आंकड़े देश के लिए नजीर पेश करेंगे, ये कहा है लालू यादव ने। लालू यादव ने ये भी कहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बने हैं और ये आंकड़े देश के लिए नजीर पेश करेंगे। इसके साथ ही लालू यादव ने सरकार से इस बात की मांग भी की है। उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। बड़ी बातें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से पोस्ट करते हुए कहा है, ऐतिहासिक क्षण बताया है लालू यादव ने। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट आया। उन्होंने जातीय गणना की पूरी टीम को बधाई दी और अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से पोस्ट किया गया है, ऐतिहासिक क्षण बताया है लालू यादव ने। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े देश के लिए नजीर पेश करेंगे और इसके साथ ही लालू यादव ने सरकार से मांग की है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, लालू यादव का भी पोस्ट सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ये ऐतिहासिक क्षण है हम सब के लिए और उन्होंने मांग की है सरकार से कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। नहीं बिल्कुल, और स्वाभाविक तौर पर लालू प्रसाद यादव लगातार डिमांड करते रहे हैं जाति गणना का, और स्वाभाविक तौर पर उनके लिए एक उपलब्धि थी। मैंने पहले भी कहा कि लोगों के मन में ये संशय की स्थिति थी कि क्या वाकई आंकड़े जारी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि नहीं, हर हाल में आंकड़े जारी किए जाएंगे, क्योंकि जो पिछला रिकॉर्ड रहा है कई स्टेट में जाति गणना हुए लेकिन वो जो रिपोर्ट थे वो रिपोर्ट में एरर आ गया, उस रिपोर्ट में कई जगह कमियां थी, तो ये माना जा रहा था कि क्या बिहार में भी जो जाति गणना होगी उसके रिपोर्ट में भी कहीं कुछ कमी रह गई या गड़बड़ी हो गई, तो हो सकता है कि ये भी आंकड़े जारी नहीं हो सकेंगे। लेकिन आमतौर पर जो एक्सपीरियंस रहा है वो नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस काम के मामले में काफ़ी कह सकते हैं कि बेहतर रहा है, और स्वाभाविक तौर पर जो काम का बीड़ा वो उठाते हैं उसे पूरा भी करते हैं और उसी की तस्वीर भी दिख रही है। और आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगातार इस मामले पर मुखर रहे हैं और उन्होंने लगातार ये कहा है कि अगर जाति गणना का आंकड़ा जो है वो सामने आता है तो इससे शोषित वंचित जो पिछड़े लोग हैं उनको फायदा होगा। तो स्वाभाविक तौर पर ये एक आरजेडी के लिए उपलब्धि है ही, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के लिए उपलब्धि है ही, लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जो जो भेजा गया है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट के मुताबिक बीजेपी पर भी उन्होंने हमला बोला है कि इस गणना को रोकने की काफी कोशिश की गई, यहां तक कि कानूनी पचड़े में भी अटकाने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः सफलता मिली है और यही वजह है कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव काफी उत्साहित है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बिहार से, जहां जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने जातीय गणना की पूरी टीम को बधाई दी। लालू यादव की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें उन्होंने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया। साथ ही लालू यादव ने सरकार से इस बात की मांग भी की कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। तो बड़ी सफलता और बड़ी उपलब्धि है ये बिहार सरकार के लिए।